अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उजमा स्टिच स्टूडियो और आज इसमें मैं आपको बॉक्स ट्राउज़र की प्रॉपर कटिंग बताऊंगी कि 2.25 मीटर कपड़े में हम जो 40 इंच का बॉक्स ट्राउज़र जो है वो किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो इसका तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपने वीडियो के किसी पार्ट को भी स्किप नहीं करना ताकि आपको हर चीज़ जो है वो आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले हम नाप डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैं आपको सबसे पहले इसका नाप हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, लंबाई मुझे रखनी है 40 इंच तैयार। थाई इसकी जो है वो 30 है, जिसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगी। आसन फ्रंट का जो है वो 16 इंच रखना है, पांचा 10 इंच रखना है और कमर का नाप जो है थोड़ा सा आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जो कमीज़ की कमर होती है ना जो हम रखते हैं फिटिंग के दौरान, वो उस 38 है अगर, तो आपने उसको 4 पे डिवाइड करना है तो आपका आ जाएगा 19.5। उसमें 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्क करेंगे जो कि हमें ऊपर प्लेट्स डालनी होती हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 22 और उसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 11। तो 11 इंच हम कमर रख लेते हैं। ये जब जब मैं जहाँ जहाँ निशान लगाऊंगी मैं आपको साथ के साथ समझाऊँगी। तो अब चलें फिर स्टार्ट कर लेते हैं कटिंग करना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हम एक पल्ला बिछा लेते हैं जो फ्रंट का है, तो बैक के पल्ले को निकाल देते हैं ताकि आपको सही से समझ आ सके। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट का पल्ला बिछा लिया। तो सबसे पहले जी हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर से हमने कैसे स्टार्ट करना है कि यहाँ से हमने ऊपर बेल्ट डालनी है, जिसकी वजह से हम इसका क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको कर देंगे सिर्फ 1/2 इंच, क्योंकि हमें सिर्फ जोड़ के लिए, क्योंकि बेल्ट जो है वो मैं अंदर मोड़ कर डालूँगी। बेल्ट डालने का तरीका भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर इस पर बता दूँगी। तो 1/2 इंच का निशान लगा लेते हैं, उसके बाद इसकी लेंथ रख लेते हैं 40। अब 40 लेंथ नहीं मुझे रखनी, मुझे रखनी है 39, क्योंकि ये तैयार होकर 38 आ जाएगी और 2 इंच मैं इसके नीचे लगाऊंगी लेस, तो मैं इसको रखती हूँ 39 तक। यहाँ से भी रख लेते हैं 39। ये मैं फ्रंट के पल्ले की कटिंग कर रही हूँ। अगर आप लेस ना लगाएं तो मैं जो हूँ वो तकरीबन ये जिस तरह का ये मेरे पास ट्राउज़र तैयार हुआ है ना, इसके नीचे लैस लगी हुई है, तो मैं लैस लगाऊंगी। ऐसी लैस नहीं है, वो थोड़ी कम चौड़ी लैस है, तकरीबन 1.5 से 2 इंच की लैस है, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा नीचे से फोल्ड हो जाएगा और 40 इंच मेरा तैयार आ जाएगा। अब आपकी अगर लैस ना हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने पूरा जितना आपका ट्राउज़र की लेंथ है उतनी पूरी लेंथ रखनी है और उसके नीचे फोल्डिंग का पार्ट भी रखना है। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच फोल्डिंग का पार्ट रखा है और उसके बाद बाकी मैंने लैस का पार्ट रख दिया है। अच्छा, तो मेरी होगी 39 मैंने टोटल रख दी, यानी 38 मेरा फोल्ड होकर आएगा और 2 इंच लैस लगेगी, तो मेरा 40 इंच ट्राउज़र तैयार हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर कमर का निशान लगा लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से कर्व देंगे। तो मैंने आपको बताया कि मेरी कमर का निशान है 11 इंच और जो आसन है वो 16 इंच है, जो कि मैं 15 इंच पे लगाऊंगी और 15 ही मेरा थाई का नाप है, तो ये मैंने लगा दिया। इस निशान को यहाँ से सीधा कर लेंगे। यहाँ से तकरीबन 1.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस निशान को इस निशान के साथ मिला देंगे। और यहाँ से इसका हल्का सा कर्व बना देंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नाप कर हम देखेंगे तो हमारा 16 इंच आ जाएगा और अंदर की तरफ हम बेल्ट मोड़ देंगे। समझ आ गई यहाँ तक? अब जितना हमारी ये चीज़ है ना, जब भी आप बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग करें तो इस निशान को भी हम सीधा कर देते हैं और पांचे से मैं आपको समझाती हूँ। जब भी आपने बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग करनी है तो सिर्फ ये कन्नी वाला पार्ट छोड़ के 1 इंच सिर्फ आपने अंदर की तरफ रखना है, ज़्यादा दरमियान वाला निशान लगा के उसका दरमियान नहीं निकालना। उसके बाद 10 इंच आप रखने पांचा और सिंपल शेप पट्टी की मदद से इसको इस कॉर्नर पे रखें और यहाँ से इसकी कटिंग कर दें। और इधर से भी इसी तरह इसका यहाँ से आपने ये जो बिल्कुल इसके सामने से इसकी गोलाई रखनी है आपने, यूँ यहाँ तक निशान लगाना है आपने और इसके बाद बाकी जितना भी निशान है उसको आप यहाँ से सीधा कर दें।
तो कुछ ये इस तरह की आपकी कटिंग हो जाएगी। बाकी ये सारी हमारी कटिंग सीधी ही होगी, हल्की सी आपने ऊपर जाके थोड़ा सा करना है, हल्का सा यहाँ से अंदर की तरफ, ये बस करनी सी कट जाए, बाकी इसमें हमारी कोई एक्स्ट्रा कटिंग नहीं है। ये मैं यहाँ से कटिंग कर रही हूँ, फोल्डिंग का पार्ट मेरा इसके अंदर शामिल है। आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये मैंने रखा है 39 इंच, क्योंकि मैं 38 इंच फोल्ड, मतलब 1 इंच फोल्ड करूँगी और नीचे लैस लगाऊंगी, तो टोटल हमारा 2 इंच लैस लगने के बाद 14 ट्राउज़र तैयार हो जाएगा। मैं आपको तैयार करके भी नाप कर दिखाऊंगी। ऊपर मैंने सिर्फ आधी इंच रखा है, बाकी मैं जो बेल्ट होगी वो अंदर की तरफ मोड़ूंगी, बाहर ऊपर मेरी एक्स्ट्रा बेल्ट नहीं होगी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई, कटिंग कर लेते हैं फिर। अच्छा, इसके अलावा जितना भी इसका मार्जिन है दरमियान वाला 11 इंच, जो ये 15 इंच होता है ना थाई का, इसका हाफ है, यहाँ से हम देखें तो 7.5, तो ये 7.5 का नाप है, तो सेम यहाँ पे भी हम 7.5 का नाप लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे 4.5 इंच की प्लेट्स, जो कि 1/4 इंच इधर होगी और 1/4 इंच ही इधर होगी। तो ये हमारी डाल जाएंगी यहाँ पर प्लेट्स। तो कटिंग कर लेते हैं फिर। सिर्फ हमने उस साइड की कटिंग की है, ये वाली कटिंग हम बाद में करेंगे। बैक वाला पल्ला बिछा लेते हैं। बैक वाले पल्ले की पहले हम ऊपर से निशान लगा लेते हैं, हम 2.5 इंच डाउन करके इसको रखेंगे, यहाँ से भी 2.5 इंच डाउन करेंगे, निशान को सीधा कर लेंगे और इस निशान को इस निशान के ऊपर रख देंगे। तिरछी कटिंग का निशान लगा लेंगे, क्योंकि बैक का पल्ला हमने उठाकर कटिंग करना होता है। और यहाँ से इसको आगे 2 इंच तक बढ़ा लेंगे ये, और गोलाई का मार्क लगा देंगे। बाकी आगे भी सारा 2 इंच बढ़ाएंगे, लेकिन घुटने तक आते आते हम इसकी कटिंग कर देंगे 1.5 इंच, और यहाँ से भी थोड़ी कम ही रखेंगे, लेकिन नीचे से कटिंग करते हुए हम सिर्फ 1 इंच की कटिंग करेंगे बस। उम्मीद है कटिंग आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, बाज़ लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि हम बैक का पल्ला यहाँ से कितना रखें। इसके साथ बिल्कुल भी जोड़ के आपने कटिंग नहीं करनी होती। दो तरह से तरीके होते हैं, आपके पास जितना भी कपड़ा है, आप उस जो कपड़ा आपके पास फ्रंट कटिंग करने के बाद आगे बचा है, सीधा साधा सा नाप आप यहाँ से भी ले सकते हैं। 4 इंच इधर है तो 4 इंच का मार्क आप यहाँ पर लगा दें और सीधी इसको यहाँ पे कटिंग कर दें, अगर ज़्यादा हैवी हिप्स वाला बंदा है तो। अगर नॉर्मल है तो फिर आप बस सिर्फ इससे 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखें और सीधी लाइन लगा दें, और यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखें और यहाँ से गोलाई की कटिंग कर दें। तो उम्मीद है इतना सा आपको बात समझ आ गई होगी। ये हमारा बैक का पल्ला है, जो कि हमने आगे बढ़ा के कटिंग की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्राउज़र की मुकम्मल कटिंग मैंने कर ली है, और यहाँ पर मैं बेल्ट लगा के अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी, और इसी तरह सेम बैक साइड पे भी बेल्ट लगा के हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस तरह ये मैं आपको लगाने का तरीका भी इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। तो ये थी मेरी आज की कटिंग, जो कि बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग थी। उम्मीद है आपने हर पार्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो यहाँ पर ट्राउज़र मैंने सी के तैयार कर लिया, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सिलने के बाद ये कैसा लग रहा है।
ये देखें कितना ज़बरदस्त इसकी बेल्ट आई है। पीछे मैंने सिर्फ बैक साइड पे इलास्टिक डाला है, फ्रंट पे टोटल सारी बेल्ट है। तो बेल्ट मैंने लगा के अंदर की तरफ 1/4 इंच फोल्ड की है और इसी तरह पीछे 1/4 इंच इलास्टिक भी डाला है। तो ये सिंपल ही पट्टी है जो कि मैंने लगा के अंदर की तरफ फोल्ड की आधी इंच। आपको पता है मैंने ट्राउज़र का ऊपर वाला पार्ट बढ़ा के रखा था और नीचे मैंने लगाई है पाँचों पर लैस। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त लैस लगी है, गुम सिलाई के साथ लगाई है। और मैंने गुम सिलाई की लैस लगाने की ट्राउज़र के ऊपर एक अलग से वीडियो अपलोड की है, वो इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएगी। तो यूँ हमारा ट्राउज़र जो है वो मुकम्मल तौर पर सिलकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। तो इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।